एमसीबी कलेक्ट्रेट कार्यालय में सैकड़ों की तादाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे और अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपाया। अपनी मांगों में उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और शासकीय कर्मचारी घोषित करने तक 21,000 रुपये स्वीकृति की जाए और मनी जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समान ही वेतन दिया जाए। सुपरवाइजर के पद पर कार्यकर्ता को सीधा भारती सहित कई मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। छत्तीसगढ़ शासन से हमारा यही कहना है कि जब उन्होंने चुनाव जीता था भूपेश सरकार ने, तो उन्होंने बोला था कि चुनाव के तुरंत बाद हम कलेक्टर दर पर मानदेय देंगे और मानदेय भी बढ़ाएंगे, परंतु आज 4 वर्ष पूर्ण होने को आए हैं, हमारा मानदेय उतना ही का उतना है। कम से कम हमें जीने लायक वेतन तो दे सरकार, हमें भी तो इंसान समझे, बस यही बात बोलना चाहते हैं। फिर सुपरवाइजर के पदों में सीधी भर्ती बंद करके हमारी कार्यकर्ताओं को मौका मिले, कार्यकर्ताओं के पदों पर सीधी भर्ती छोड़कर सहायिकाओं को मौका मिले। मांगे आप लोग? हम लोग 6 सूत्रीय मांगे हैं। सबसे पहले तो हमें जीने लायक वेतन दे और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें। 2018 में जो सभ्य सरकार महोदय जो हमको वादा की थी कि हमें प्री प्राइमरी में दर्जा देंगी, वो मतलब पूरा करें और हमें सरकारी कर्मचारी का घोषित करेंगी उसको भी पूरा करें। और आज हम लोग जो ज्ञापन देने आए हैं उनके इसी वादा को याद दिलाने आए हैं। और आज जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच जिला एमसीबी के द्वारा जो है ज्ञापन सौंपा गया है, इनके द्वारा कई बिंदुओं की मांग रखी गई है शासन की, इसमें कई जैसे कि जो इन्होंने जो है इनके कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की एक मांग है, तथा जो है महंगाई को देखते हुए उनका महंगाई भत्ता जो है बढ़ाया जाए और मानदेय के ऊपर जो है इनका जो है ज्ञापन है कि मानदेय भी जो है उस हिसाब से रहे।